फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं। तो आपका जो सेकंड न्यू मेरिट लिस्ट जो है वो आ चुका है। एंड जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि 23 अगस्त को जो डीएलएड की जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था वो फ्रेंड्स उसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो है उसे डिलीट कर दिया गया था, बट जो है ये न्यू वाला आ चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन का टाइमिंग एक दिन बढ़ा दिया गया है, 24 से 26 अगस्त, मतलब कि आज भी आप जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम एक बार डेट देख लेते हैं, 24 अगस्त, तो आप जो है 24, 25 एंड 26 अगस्त आपका लास्ट डेट है, तो आप जो है 24 एंड 25 अगस्त को चले जाए। तो चलिए फ्रेंड्स हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं अपना प्रोस्पेक्टस। देखिए यहाँ पर जो है न्यू वाला आ चुका है, जो पुराना वाला था फ्रेंड्स उसको एससीईआरटी दिल्ली के एडमिशन ऑफिशियल वेबसाइट से जो है हटा दिया गया था। तो चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स मैं डाउनलोड कर फ्रेंड्स मैंने जो है डाउनलोड कर लिया है जो आपका न्यू आया है अगेन। एंड फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको तो आप जो है इस पीडीएफ को गूगल ड्राइव पे ओपन करें। एंड जब आप गूगल ड्राइव पे ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपका एक सर्च करने का ऑप्शन आएगा। एंड इस पर जब आप क्लिक करेंगे एंड इस पर जो है आपका मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना है एंड आप इजिली जो है इसे सर्च कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स अगर आप जो 100% कन्फर्म करना चाहते हैं कि आपका मतलब कि 100% इस कॉलेज में नाम आया है तो आपको जो है आईडी लॉगिन करके चेक करना है। एंड आईडी लॉगिन करके कैसे चेक करना है वो चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो जब आप फ्रेंड्स अपना आईडी लॉगिन करके चेक कर लेते हैं तो 100% कन्फर्म हो जाता है कि आपका इस कॉलेज में नाम आया है। तो फ्रेंड्स जब आप आईडी लॉगिन करेंगे तो ये सभी आपको फिल करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है, पासवर्ड फिल करना होता है एंड उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना होता है। जब आप साइन इन करेंगे तो जब तो अलॉटमेंट लिस्ट में जो है आपका कॉलेज का नाम आया हुआ। तो चलिए हम मेरिट लिस्ट देख लेते हैं पहले। सो फ्रेंड्स ये न्यू वाला है, मतलब कि जो 24 अगस्त को जारी किया गया है, जो पहले 23 अगस्त को आया था इवनिंग में वो फ्रेंड्स मतलब कि टेक्निकल एरर की वजह से उसे जो है डिलीट कर दिया गया था एससीईआरटी एडमिशन की ऑफिशियल साइट से। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास जो है 24, 25 एंड 26 अगस्त 2 या 3 दिन का टाइम है। तो आपको जो है देखिए अगर जिसने फ्रेंड्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सीट अपनी फ्लॉट की थी एंड सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका जिस कॉलेज में नाम आता है, चाहे उसे पसंद के कॉलेज सेकंड मेरिट लिस्ट में मिली है या नहीं मिली है, उसे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो वो जिस बच्चे ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑलरेडी करवा लिया था उन्हें जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के स्लिप लेकर जाना है, चाहे उसे पसंद की कॉलेज सेकंड मेरिट लिस्ट में मिली है या नहीं मिली है, उसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के स्लिप लेकर जाना है। एंड जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट है, मतलब कि जिनका फर्स्ट टाइम सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आया है, तो उन्हें क्या करना है, उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्लिप लेकर जाना है। एंड स्लिप नहीं लेकर जाना गाइस, उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की सभी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। क्या क्या मतलब कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, स्लिप उस बच्चे को लेकर जाना है जिन्होंने ऑलरेडी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया था। एंड अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जिस बच्चे का मतलब कि सेकंड टाइम, अगर जिस बच्चे ने मतलब कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सीट फ्लोट किया था एंड उनका जो है सेकंड टाइम सीट मतलब मिलती है सेकंड राउंड में, सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका नाम आता है, तो उन्हें जो है स्लिप लेकर जाना है। एंड जिसका फर्स्ट टाइम नाम आया है उन्हें जो है सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। आप जो है अपना 10th क्लास की 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लें, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एंड अगर फ्रेंड्स आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में मतलब कि एडमिशन लेना चाहते हैं आपको पसंद की कॉलेज मिल गई है सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो आपको जो है सीट को फ्रीज करना होगा। जब आप सीट फ्रीज करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपको मतलब कि सीट जब आप फ्रीज करेंगे या फ्लॉट करेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट में, देन उसको उसके बाद 1800 रुपये पे करने का ऑप्शन आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट थे फ्रेंड्स कि मतलब कि क्या सर हमें सेकंड मेरिट लिस्ट में अगेन जो है हमें 1800 रुपीज़ पे करना होगा, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मतलब जिस कॉलेज में नाम आया था उसमें उन्होंने वेरीफिकेशन करवा लिया था एंड 1800 रुपीज़ उन्होंने पे कर दिया था, तो उन्हें जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के लिए जो है स्लिप लेकर जाना है एंड 1800 रुपीज़ अगेन पे नहीं करना है, उन्हें कॉलेज जाना है जिस भी कॉलेज में नाम आया है। सो फ्रेंड्स अगर जो बच्चे सेकंड मेरिट लिस्ट में किसी भी सीट से सेटिस्फाई नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में उनका नाम आया है वो पसंद की कॉलेज नहीं है, तो आपको चाहे सेकंड मेरिट लिस्ट में पसंद की कॉलेज मिली है या नहीं मिली है, आपको फिर भी जाना है उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, देन आप सीट फ्लोट कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास जो है एक थर्ड ऑप्शन ये है कि मतलब कि थर्ड टोटल जो मेरिट लिस्ट जारी की जाती है फ्रेंड्स, वो टोटल जो है 3 मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो जैसा कि आपको पता है 2 आ चुकी है एंड थर्ड जो है वो लास्ट ऑप्शन है। एंड अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप सीट फ्लॉट कर सकते हैं। एंड जब आप सीट फ्लॉट करेंगे तो आपको जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में पार्टिसिपेट करने का
चांस मिल जाएगा, बट फ्रेंड्स आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आप ओनली जो है सीट फ्लोट करते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो आपका किसी राउंड में नाम नहीं आएगा एंड आपका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान दें एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आप लेकर जाएं, एंड इसके रिगार्डिंग जो है मैंने वीडियोस बना रखा है। तो फ्रेंड्स एक बार और मैं बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। 10th 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट MBBS डॉक्टर से बनवाना है आपको, एंड एक जो है अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है। 1800 रुपीज फीस जो पे करेंगे आपका उसका जो है रिसिप्ट आपको लेकर जाना है, एंड फ्रेंड्स आधार कार्ड आप अपना लेकर चले जाएं, एंड ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। सो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, एंड आपको मैं बता दूँ कि प्राइवेट कॉलेज की जो टोटल 2 ईयर्स की फीस होती है वो 75,000 रुपये होती है, एंड आपको जो है फर्स्ट ईयर में 10 से 15,000 रुपीज़ जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, एंड फर्स्ट ईयर में भी आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, एंड सेकेंड ईयर में किसी भी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग मतलब कि सभी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने एक वीडियो में बता रखा है तो आप जो है उसे देख लें, एंड फ्रेंड्स आप जो है इसे चेक कर लें, एंड आपके पास जो है ओनली 2 डेज़ का टाइम है तो इसलिए जो है आप जल्दी से जल्दी आज या कल चले जाएँ। एंड कॉलेज की जो टाइमिंग है फ्रेंड्स वो 10:00 से 4:00 तक है तो आप जितना जल्दी हो सके चले जाएँ। चलिए हम देख लेते हैं लास्ट पेज से। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद की कॉलेज नहीं मिली है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के